सब जानते हैं कि जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और हर कोई अपने तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हैं, और हमारे साथ जो है उनका तो नाम ही कन्हैया है, फिर उनके साथ अगर हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं किया तो क्या किया। तो आज हमारे साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए हैं, जी हाँ, दीपक ठाकुर उर्फ कन्हैया। 3 जुलाई को मेरा बर्थडे है और 3 जुलाई मेरे नाना जी ने 3 जुलाई रखा था और बारिश हो रही थी उस समय, तो मेरे नाना जी के दिमाग में सडनली नाम आया कन्हैया, क्योंकि हमारे ममहर में ननिहाल में कि जिसका भी नाम वो जैसे नाना जी कन्हैया, मतलब उनको कृष्ण जी को बहुत मानते थे, तो मेरा नाम कन्हैया, एक और भाई उसका नाम गोपाल, एक और भाई उसका नाम गोविंद, तो ऐसे करके वो रखे थे। 3 जुलाई को मतलब 2 बूंद गिरे, 10 बूंद गिरे, 20 बूंद गिरे, हालांकि होता है तो बहुत सॉलिड ही होता है, लेकिन बारिश जरूर होती है। सो और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो हम कन्हैया से जानेंगे, कि कन्हैया जितने शरारती हैं क्या वो उतने शरारती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट उससे पहले हम थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं, मतलब कृष्ण भगवान को नए कपड़े पहनाना, क्योंकि इस दिन इनका जन्म हुआ था, तो उसी वे पे कि इनको कितनी जानकारी है उस चीज़ की, और भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पूजा करेंगे, फिर भोग भी चढ़ाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। सबसे पहले कन्हैया जी को खिलाएंगे। गोपाल जी को हम भोग लगाएंगे। वो मक्खन होता है ना, बहुत मटका फोड़ते थे ये। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। जय कन्हैया लाल की, आंखी गोरा पाल की। दीपक ने किस तरह से कृष्ण भगवान को भोग चढ़ाया, और उन्होंने कुछ ना कुछ विश तो मांगा। हम आपसे कहते हैं कि विश बोला नहीं जाता, बट फिर भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या विश मांगा है। देखिए भगवान एक्चुअली अगर हम इनसे विश मांग लिए ना, तो फिर ये हमारे चूंकि पालनहार है, इनको सब पता है कि हमको क्या चाहिए, क्योंकि जब हमको हम लोगों को इन्होंने जब डिजाइन किया होगा हर एक इंसान को, और हर एक इंसान में अलग अलग सॉफ्टवेयर अपडेट किया, कोई ऐसा बन जाता है, कोई वैसा बन जाता है, कोई ये हो जाता है, कोई वो हो जाता है, तो इनको सब पता है कि हमारे जीवन में किस चीज़ की कमी है, हम किस चीज़ को तलाश रहे हैं, हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, हमने उसके लिए मेहनत किया कि नहीं किया। भगवान से अपना कर्म किए बिना ना हम कभी मांगे कुछ और ना मांगते हैं। अभी ईश्वर, इनको सब पता है कि हमको क्या चाहिए, बस हम ईश्वर से यही मांग रहे हैं कि भगवान हमको इस काबिल बनाइए कि हम जितने भी लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, जो हमको अब तो खैर और कि भैया हम
हम कुछ करना चाहते हैं, हमको भी कुछ बताइए, हमको भी कुछ कीजिए, फिनेंशियल मदद मांगते हैं। हम चाहते हैं भगवान से कि भगवान हमको आप उस काबिल बनाइए कि हम लोगों की मदद कर सकें, और हम ये तो ये बोलेंगे कि आप बाकी लोगों को, मतलब जो वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं उनको इस काबिल बनाइए कि वो खुद वहाँ तक पहुँच जाए। आपको तो सब पता है, आप वो देख लीजिए भगवान की बिहार में, केरला में, महाराष्ट्र में जो बाढ़ आते हैं जिससे लोग परेशान रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें रहते हैं, तो वो ना हो। बात बाकी आप बाल गोपाल आपके जो भी ये हैं वो सब खुश रहें, आप तो जानते हैं, आप तो चाहते ही हैं कि आपके जो भी जो आपको पूछते हैं, जो आपके भक्त हैं वो खुश रहें। भगवान नहीं चाहेगा कि भक्त खुश रहे तो कौन चाहेगा। ये जिस तरह से बचपन में बदमाशी करते थे, लोगों की मटकियाँ फोड़ते थे, दूसरे लोगों को परेशान करते थे, आप कितना परेशान करते हैं? और हम अत्यंत, मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अखंड जो कहा जाता है, वो नेक्स्ट लेवल के हम मतलब ये करते थे बदमाशियाँ। ये देखिए, ये मेरा एक ये यहाँ का निशान, ये पूरा कटा हुआ है, ये बहुत लंबा कट है, ये मेरा हाथ टूटा था। ये कट था कि विश्वकर्मा पूजा का दिन था, और वो चारा काटने वाला मशीन होता है ना, उसमें हम सामने से हाथ घुसा के और खुद चला दिए थे। और ये काटने के बाद, अब ये था कि घर पे किसी को बताएंगे तो कुटाई लगेगा, तो ऐसे करके, अब ये नस कट गया, तो ऐसे करके, मतलब ऑलमोस्ट नस कटा था, पूरा नस नहीं कटा, ऑलमोस्ट कट गया था, ऐसे करके। और हम घर के एक चौकी थी उसके अंदर सोए हुए थे। अब जब वो ब्लड जब बाहर निकला तब फिर सब लोग लेके गए। फिर ये हाथ मेरा टूटा क्यों, क्योंकि वो दोस्तों के साथ खेल रहे थे, पीपल का पेड़ था, उस पर चढ़े हुए थे ऊपर, और एक डाल था ऐसे, वो ऊपर नीचे होता था, उस पर हम लोग झूला झूलते थे, तो नीचे यहाँ तक टच होके और फिर ऊपर सडन नहीं जाता था, ऐसे ऐसे पूरा एकदम, बहुत मतलब वो लचीला था वो डाल। तो मतलब चैलेंज लग गया कि जब ऊपर जब जाए तो उस समय कौन कूदेगा, और बस सीधे उधर से कूदे, हम कूदे थे सामने, लेकिन वो मौसम था हमको नहीं पता, यहाँ कूदे थे सामने, हम गिरे उधर, और गिरे ऐसे गिरे, ये हाथ टूटा। कृष्ण का जो रूप होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर लोगों को दिखा। एक बहुत सीक्रेट है, उस समय हम मतलब सिर्फ एक पैंट पहने हुए थे, हाफ पैंट और कुछ नहीं, तो वो 7th-8th का टाइम था, छठा सातवां का। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि नीचे चोर है, अब हमको कुछ ऐसा करना भी नहीं है कि वो देख ले सीधे, पहले हमको बोलेगा तो फिर हम चोर हम ही बनेंगे। और लोग कहता था कि ये धप्पा बहुत अच्छी जगहों पे नुकता है, जल्दी मिलेगा नहीं ये, तो एक अपना क्रेडिट वाला भी बात है। लेकिन इस हड़बड़ी में एक मधुमक्खी मेरे सर में काटा, हाथ छूटा, और लिटरल नहीं, वो बताते पूरा कारी, हाथ छूटा, हम नीचे गिरे, हमको बुरा नहीं लगा, बुरा तब लगा कि मेरा पैंट ऊपर था। वो पूरा झंडे की तरह हिल रहा है, डोल रहा है, हम वहां से जो भागे हैं, सीधे भागे, सामने में मक्के का खेत था, सीधे मक्के के खेत के अंदर, उधर से चिल्ला रहे हैं, कोई गमछा लेके आओ, कोई टॉवेल लेके आओ, ऐसा था। कृष्ण और एक चीज के लिए जाने जाते हैं, जो है गोपी। आपकी कितनी गोपियां हैं? एक बार क्या हुआ था ना कि हम एक लड़की जिसको पसंद करते थे उसको एक और लड़का पसंद करता था। अब वो मतलब कि वो कॉलेज का नहीं था, हम कॉलेज के थे, वो कॉलेज का नहीं था, तो उसको एक प्लस पॉइंट था कि वो बाहर अपना 8-10 लड़का बुला सकता था। और हम इस समय यकीन नहीं करते, मारपीट या ऐसा कुछ, इस समय हम मतलब कि शुरू से ऐसा नहीं है कि चलो चलो ये वो मारते हैं, ये 10 लड़का को लेके, ऐसा नहीं था मेरा। गए बाहर, भाई बोले क्या, वो कॉलर पकड़ के बस ऐसे उठा दिया था हमको। बोले भाई क्या, वो 2-3 लोग था, तुम सुने कि भाई मेरी उससे बात नहीं होती, ऑलरेडी हमको ब्लॉक कर चुके हैं। तो नहीं, मेरी बात नहीं होती है भाई उससे। वो बोला क्यों बात नहीं होती है, तुम उसको ये कर दो, वो कर दो, छोड़ दो ये, हम उसको ये करते। फिर हम बोले वो भी तुम करती है क्या? बोला कि नहीं। बोले तो फिर आपस में भाई हम लोग खामोखा लड़ रहे हैं। तो फाइनली दीपक, हमारे साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट करके आपको कैसा लगा? आज दर्शकों के साथ और आप लोगों के बीच हम कृष्ण भगवान को पूजा कर रहे हैं, बस भगवान जी से यही मांग रहे हैं कि जो भी परेशानियां हैं वो सब आपको पता है, हम क्या बोले, हम बोलेंगे तो हमको लगेगा कि आपके पास क्या ऐसा नहीं है जो मतलब कि आपको नहीं पता है, बस देख लीजिए कि हमको क्या चाहिए, और अच्छा काम कुछ करने जा रहे हैं, साथ रहिएगा हमेशा। और क्या,
जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लहरे के व्यूअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या उनको क्या कहना चाहेंगे इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर? जरूरी ये है कि आपके सोसाइटी में बहुत सारे भ्रष्टाचारी, बहुत सारे बलात्कारी, बहुत सारे पाप करने वाले, मतलब खतरनाक, और बहुत सारे फ्रॉड लोग, जिसके भी दिमाग में मतलब कि घटिया चीज आ गया वो समझे कि वही रावण है, तो उससे निजात पाइए और खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए। हैप्पी जन्माष्टमी।